हेलो गाइस, तो आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं आज लुंड्रा मेरी दीदी को छोड़ने। जैसे कि आप लोग ने देखा था कि पिछले ब्लॉग में मेरी दीदी और मेरी बेटी आए हुए थे हम लोग के घर, तो हम लोग आज जा रहे हैं घर। तो हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन और छोड़ने उन लोग को। तो हम लोग निकल गए हैं गाइस जाने के लिए। तो हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं अंबिकापुर। मेरे घर से अंबिकापुर पास में है, थोड़ा 15 किलोमीटर। तो ये रहा हमारा अंबिकापुर। तो हम लोग थोड़ा सा रुक लिए कुछ खरीदने के लिए। जा रही हूँ अभी मैं अंगूर खरीदने। तो हम लोग अंगूर खरीद ले रहे हैं गाइस। तो मैं वीडियो बना रही थी, आंटी मेरे को ही देख देख रही थी क्या कर रही है बोल बोल के। देख रही है मेरे को। तो खरीद ली मैं अब अंगूर। हम लोग जा रहे हैं निकल गए। तो हम लोग अब निकल गए जाने के लिए। इतना गाड़ी आ रहा था कि क्या बताएं, दिन भर गाड़ी चलते रहता है। पर यहाँ पहुँचे तो इतना धूल धूल के मारे आगे क्या ही दिख ही नहीं रहता। हम लोग कैसे हो गए थे एकदम धूल से, और रास्ता भी इतना ख़राब था कि क्या बताएं। पूरा फेस सब में हो के आँख भी नहीं खुल रहा था मेरा। तो मेरी बहन पता नहीं कैसे चला ले रही थी गाड़ी, कब आगे जाऊं जिसे लग रहा था अच्छा रास्ता में। तो हम लोग उसका सामना करते हुए पहुंच गए आगे। तो ना ये इधर बन रहा है पुल, मतलब रास्ता बन रहा है, इसीलिए उधर का रास्ता एकदम ख़राब है। तो इधर तो आगे का दिख ही नहीं रहा है क्या है। लकड़ी लेके आ रहे हैं आगे से। इतना रास्ता ख़राब है गाइस। बच्चे को गोदी करके एक तो हम लोग को मिल गया गाइस रास्ते में मंकी बंदर, एकदम छोटा छोटा साइड में फूल में देखिए बैठा हुआ है। कितना मस्त है ये, तो इतना छोटा है कि क्या बताऊं। उधर बिस्किट दे रहे थे वो अंकल और उधर बहन लोग, तो गए हैं हम लोग लेने। देखिए इधर हड़िया सब बेच रहे हैं रास्ते में, ओसना ओसना जो भी हर खिझारा जो भी हो वो सब बेच रहे हैं उधर। तो हम लोग ड्राइवर चेंज कर लिए, मेरी बहन थक गई चलाते चलाते, तो मेरे को बोले चला, तो मैं अब चला रही हूँ गाड़ी। तो हम लोग पहुँच गए रघुनाथपुर का मोड़ है ये। इधर का रास्ता तो ठीक ही लग रहा है मेरे को। तो इधर का रास्ता इतना अच्छा है कि मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था चलाने में,
एक भी गाड़ी नहीं आ रहा था, आ रहा था बट बहुत कम गाड़ी आ रहा था, वो अच्छा लग रहा था चलाने में, अकेले बिंदास चलो। इधर इतना जंगल है कि क्या बताएं गाइस, इतना हाथी आता है इधर तो इधर आने का भी मन नहीं करता है। अभी आया था 29-30 थे वो हाथी, जंगल है तो आ भी ना करेगा, आगे और जंगल है, देखिए कितना जंगल है। यहाँ पर लिखाया हुआ है भी सावधान हाथी जन्य क्षेत्र, यहाँ पर पेट्रोल सब भरवाते हैं, एक ही पेट्रोल पंप है इधर। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं गाइस, ये है लुंड्रा का भलुआ मोड़, अभी इधर से हम लोग मुड़ जाएंगे, इधर मार्केट जाते हैं और हम लोग इधर नहीं जाएंगे, अभी इधर जाएंगे। तो मुड़ लिए हम लोग, तो हम लोग पहुँच गए गाइस जहाँ मेरी दीदी का घर है वहाँ। अच्छा है इधर का गांव, पास पास में घर सब नहीं है, मस्त खुले में रहते हैं एकदम। ये है मेरी दीदी लोग का घर, तो हम लोग पहुँच गए। तो इधर भेंट मुलाकात कर रहे हैं इधर मेरे भैया, भैया बोलूँगी इनको। तो हम लोग आते के साथ अब चल दिए मटर खाने के लिए, एक कुत्ता दिमाग ख़राब कर दिया था मेरे पीछे पीछे आ रहा था, तो हम लोग आ गए मटर बाड़ी में। ये रहा मेरे दीदी जीजा लोग का मटर बाड़ी, हम लोग ख़त्म करके जाएंगे सोच रहे हैं खा खा के, बहुत बड़ा में लगाए हैं, उधर भी है बहुत बड़ा में। आइए गाइस मटर खाने के लिए, हम लोग तो आते के साथ भीड़ गए मटर खाने में। इधर मेरी बहन खा रही है, इधर मैं खा रही हूँ, हाथी के साथ लग गए। अब अगला ब्लॉग में मिलेंगे गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।